सीतापुर की लहरपुर कोतवाली परिसर में प्रेमी युगल का निकाह संपन्न हुआ। कोतवाल प्रभारी इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सीदीपुर निवासी सखवंतपुर सखावत 25 वर्षीय अपने पड़ोस के ग्राम सरायन निवासनी सफी कुन 22 वर्षीय पुत्री स्वर्गीय जमील से विगत एक वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सफी कुन की माँ जय कुन निशा को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने सराफत के परिजनों से मिलकर निकाह के लिए दबाव बनाया, जिस पर सराफत के परिजनों ने निकाह से इनकार कर दिया। इस पर लड़की की माँ जरीकुन निशा ने कोतवाली प्रभारी को सारी घटना से अवगत करवाया, जिस पर कोतवाली प्रभारी ने लड़के पक्ष से बात कर उन्हें शादी के लिए राजी कर लिया। कोतवाली परिसर में बनी मजार के सामने मौलाना फरूद अहमद दोनों का निकाह संपन्न कराने पहुंचे। इससे पहले भी कोतवाल इंद्रजीत सिंह कोतवाली में प्रेम की युगलों की शादी करवा चुके हैं। इस पुण्य कार्य को लेकर कोतवाल इंद्रजीत सिंह की जनता में खूब सराहना व तारीफ होती रहती है। अच्छा, तो आज कोतवाली में जो विवाह हो रहा है, निकाह हो रहा है तुम्हारा, ये क्यों कोतवाली में क्यों हो रहा है? झगड़ा हुई बाद में, झगड़ा तो नहीं। क्या उनकी अम्मा है, तेज बाद में झगड़ा हुई उनसे, कहीं का लेके आई रहा सब कुछ कहीं। तभी कोतवाली में कोई दबाव से तो नहीं कर रही शादी? क्या नाम है भैया? आज कोतवाली में निकाह का हो रहा है तुम्हारा? प्रेम था तो राजी घोषित कर लिया, कोई दबाव तो नहीं है? लहरपुर कोतवाली में आज फिर शादी हो रही है, तो क्या इसमें किसी तरीके का पुलिस का क्या रोल है? ये परसों लड़की की माँ जो है आई हुई थी, सतकुन निशा नाम है बेटी का, इनकी माँ आई हुई थी जरीकुन निशा जो की आवेदिका थी, जिन्होंने बताया कि हमारी लड़की से लड़के का 5 महीने से प्रेम संबंध था और लड़के ने शादी के लिए आश्वासन दिया था। इसी बात पर इन लोगों का आपस में प्रेम प्रसंग 5 महीने से चल रहा था, बाद में इसने शादी से इनकार कर दिया, बताया कि मेरे पति नहीं है और बिना बाप की बेटी है, सर कौन इससे शादी करेगा, और अगर यदि आपका सहयोग हो जाए सर, दोनों बच्चों को बुलाकर बात कर ली जाए तो मेरी बात बन सकती है, शादी हो सकती है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया, लड़के पक्ष को, उनके पिताजी को बुलाया गया, उनके परिवारीजन को बुलाया गया, लड़की को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई। बातचीत में उन लोगों ने इस बात की स्वीकारोक्ति की कि हमारे प्रेम प्रसंग थे, लड़के ने बताया कि मेरे लड़की से प्रेम प्रसंग थे और शादी के लिए तैयार हो गया, तो आज की डेट दी गई थी शादी के लिए, दोनों पक्ष यहाँ आकर के आपसी सहमति से राजी खुशी से शादी कर लिया है और दोनों लोग